हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और पावर के बारे में बात करी थी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्फिगरेशन या उसकी रिलेटिव पोजिशन। कॉन्फिगरेशन और रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। सो सपोज वी हैव अ मेटालिक बॉल, तो दिस इज अ मेटालिक बॉल। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास ग्राउंड पर एक ग्लास शीट हम लगा देते हैं, ठीक है, इट इज अ ग्लास शीट। अब हमने क्या किया, इस मेटालिक बॉल को यहां तक रेज किया, Suppose this height is h, तो यहां तक raise किया और इसको drop कर दिया, तो इसकी initial velocity was zero और इसको drop कर दिया। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, तो when this ball strikes this glass plate, तो ये जो glass plate है वो shatter कर जाएगा, टूट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो metallic ball थी, it has some sort of an energy जिसके कारण ये जो glass plate है वो टूट गई। अगर मिस मेटेलिक बॉल को मैं इसके ऊपर आराम से रख देता, उस केस में कुछ नहीं होता, आपकी ग्लास प्लेट नहीं टूटती। तो आप कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मेटेलिक बॉल, ठीक है, इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर मैं इसको रेज करके छोड़ता हूं, इन दैट केस इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क, पर अगर मैं इसको यहीं पर रख देता हूं तो ये वर्क नहीं करता। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द मेटेलिक बॉल इट कैन डू वर्क। तो यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी। So, यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फिगरेशन और रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कब होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिफाइन होती है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इंपॉर्टेंट चीज, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है अभी देखते हैं। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक स्पेशल चीज होती है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल, ठीक है, वो जो भी वर्क करेगी वो कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका से एक पार्टिकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, यहां से आप यहां पर ले जा रहे हैं और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, तो उस केस में आप कहेंगे जो वर्क डन है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू बी माइनस यू ए। सो दैट थिंग इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जो भी वर्क करेगी कंजर्वेटिव फोर्सेस वो कहां चला जाएगा, दैट विल गोज इन टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे यू साइन हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहां पर यू is the potential energy of the system when the particle is at B, UA is the potential energy of the system when the particle was at A. तो इस तरह से हम define करते हैं। Similarly, अगर हम बात करें, अगर मैं gravitational potential energy की बात करूं, यहाँ पे मैं कुछ example ले लेता हूँ। हमारी जो जिनके लिए potential energy defined है, एक तो आपकी होगी gravitational force, ये भी आपकी conservative है। Then you have your spring force,
then we have electrostatic force, मैग्नेटिक फोर्स. बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं. तो इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कि वर्कन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का. तो एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड पर है, इसको हमने रेज कर दिया अप टू हाइट एच. ठीक है, ग्राउंड से इसको रेज कर दिया अप टू हाइट एच. तो यहां पर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आपकी ऊपर को हो रही है, सो इट विल बी माइनस एम जी इंटू एच. ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये पोजिशन आपकी ए थी, दिस पोजिशन इज बी. तो अगर हम ये लगाएं तो क्या मिलेगा हमें, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस एम जी एच इक्वल्स टू नेगेटिव यू बी माइनस यू ए. तो यहां से आप कह सकते हैं द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच. तो इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट रेज कर देते हैं तो उसके अंदर एक इंक्रीज इन एनर्जी होता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी, एम जी एच. ठीक है, इतनी इंक्रीज हो जाएगी. सो आप कोई भी रेफरेंस लेवल मान सकते हैं जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, माइनस 10 जूल्स है, कुछ भी ले सकते हैं. मान लो कि मैंने बोल दिया कि इस लेवल पर, ये जो लेवल है यहां पर, अगर पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज जीरो तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी एम जी एच. तो अगर आपने मान लिया यू ए पर जीरो है तो यू बी विल बी प्लस एम जी एच. अब आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, अगर आप इसको मान लेते हैं माइनस 10 जूल्स या कुछ माइनस एम जी एच तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम योर जीरो. ठीक है, अगर ये माइनस एम जी एच आपने यहां पर बोल दिया तो ये कितना हो जाएगा, जीरो. बट एक चीज ध्यान रखना, इनके बीच में जो चेंज होगा दैट विल ऑलवेज बी एम जी एच. तो यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हो, बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी सेम, कितना होगा एम जी एच के बाद. तो ये है बेसिक कंसेप्ट. तो अगर सेम कंसेप्ट अगर हम लगाएं फॉर स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के केस में देखो, इसको हम अरेज कर देते हैं. तो यहां पर अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें, सो दिस इज, तो हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसको हमने इलॉन्गेट कर दिया बाय एक्स नॉट. ठीक है, दिस इज द नेचुरल लेंथ, इसको हमने इलॉन्गेट कर दिया एक्स नॉट. आपको पता है कि इस केस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. लास्ट वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां से आया ये वर्क डन आ गया. तो अगर हम सेम चीज लगाएं ये वाली, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, जब आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जब स्प्रिंग आपका इलॉन्गेट हो चुका है बाय एक्स नॉट, तो दैट उसमें जो चेंज है, सो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ एक्स नॉट स्क्वायर. क्लियर. सिमिलरली अगर आप अपने स्प्रिंग को कंप्रेस भी करते हैं, अगला केस देखो, अब नेचुरल लेंथ से हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया बाय एक्स नॉट. अगेन इस केस में भी जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा दैट विल बी माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. और यहां पर अगर ये चीज लगाएं हम, तो यू विल अगेन गेट your change in potential energy equals to half k x naught square. तो यहाँ पर एक important चीज है, आप spring को जब भी compress करते हो या elongate करते हो, उसमें जो increase in potential energy होती है, उसकी जो potential energy बढ़ती है, वो कितनी होती है? वो half k x naught square होती है, where x naught is the compression or elongation. तो ये है बच्चों basic idea about potential energy. अब कुछ numericals करते हैं. Okay, तो आपको question दिया है
सपोज हमारे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर एक यूनिफॉर्म रॉड है इस तरह से, ठीक है. वी हैव टू फाइंड इफ दिस लेवल हैज द पोटेंशियल एनर्जी जीरो, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड, ठीक है. इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसको कैसे कर सकते हैं जरा देखो. ये यूनिफॉर्म है बच्चों, ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा. एक आसान सा तरीका है और एक दूसरा है जिसमें हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे. तो सपोज मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया, इसकी लेंथ है एल और जो उसका मास है दैट इज एम एंड इट इज अ यूनिफॉर्म रॉड. तो इसका जो एलिमेंट है बच्चों, ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं से डी एक्स एंड इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ग्राउंड इस तरह से. और इस एलिमेंट का जो मास होगा जिसको मैं बोल रहा हूं dm, dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx. तो कभी भी अगर आपको एलिमेंट का मास निकालना है तो आप क्या करोगे, लीनियर मास डेंसिटी टाइम्स द लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट. सो ये आपका ये आ गया है. और अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी, ये ग्राउंड है रेफरेंस लेवल है तो इट विल बी मास इसका एम जी इंटू एच, था हमने देखा था एम जी एच, तो रेफरेंस लेवल से एच एक्स हाइट ऊपर है तो ये हो जाएगा डी एम जी इंटू एक्स, ठीक है. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. तो अब बहुत सिंपल है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कि कहां से कहां तक. अब जो x है, अब डी एम यहां पे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यू विल हैव g, दिस इज m by l x dx, ठीक है. डी एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. अब आप क्या करोगे, यहां पर, यहां पर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, सो du यहां पर है तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये तो बन गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड. और ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिट आपकी लगेगी x की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी l. सो ये बन गया हमारा m g l, तो बाहर आ गया. सो इसका होगा x स्क्वायर बाय 2, सो दैट विल बी l स्क्वायर बाय 2 एंड वी हैव u, सो इट विल बी m g l बाय 2. ओके, तो अगर हमारे पास रॉड है और उसको आपने इसे वर्टिकली खड़ा कर दिया है तो उस केस में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी एम जी एल बाय 2. अब इसको कैसे करें, एक और तरीका देखो, ये जो हमारी रॉड है अगर मुझे इसको एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना है तो वो पॉइंट मास कहां पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर. तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पर होगा, एल बाय 2 पर होगा, ठीक है, एल बाय 2 फ्रॉम द ग्राउंड. तो मैंने अपनी रॉड को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया, ये यूनिफॉर्म रॉड थी, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इट विल बी इसका मास विच इज द मास ऑफ द रॉड जी इनटू एल बाय 2, ठीक है, एल बाय 2 इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट मास. ये क्लियर हुआ. तो अगर आपको रॉड दी है उस केस में आप डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कई बार आपको रॉड इस तरह से भी दे सकते हैं इंक्लाइन. सपोज ये आपकी रॉड है, सेम रॉड है और इसका मास m है, इसकी लेंथ l है और हमें बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड इज जीरो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इस केस में आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ रॉड. तो आप सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढिए, ये रहा, कहां पर होगा, एट अ डिस्टेंस l बाय 2 फ्रॉम हियर, आपको दिया हुआ है दिस एंगल इज थीटा, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है दिस हाइट ये कितनी हो जाएगी, l बाय 2 sin थीटा, ठीक है ना. इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं l बाय 2 sin थीटा. सो इसको आप लिख सकते हैं m g l बाय 2 sin थीटा, ठीक है. इस तरह से सिंपली आप अगर रॉड दी है उस केस में आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. इसमें आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि एक रॉड थी यहां पर, अलग अलग पोजीशन में आपसे पूछ सकते हैं, रॉड ऐसे थी एट एन एंगल 60 डिग्री और जब उसका एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना, तो जब ये 30 डिग्री हो गया और
और ये 60 डिग्री हो गया। इस रॉड को आपने क्या किया था, रिलीज किया था फ्रॉम रेस्ट, यहां से रिलीज किया था और 60 से इसका एंगल हो गया 30 डिग्री। इसका मास है से 1 किलोग्राम और इसकी लेंथ है 1 मीटर। तो आपको बताना है, ठीक है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। ठीक है, जैसे आपने इसको यहां से रिलीज किया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, और जो ये एंड है वो हमारा मूव नहीं करता, डज नॉट मूव। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब आपको दिख रहा है कि जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो ये रॉड आपकी मूव करना शुरू करेगी और इस इंस्टेंट पर इसके में कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क जो भी है, ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द रॉड इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको यहां से मिल जाएगी। अब वर्क डन कौन कर रहा है, यहां पर वर्क डन कर रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा इस केस में, इसका निकालें। अगर ग्राउंड को आप मान लो, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अभी आपने यहां देखा था फॉर्मूला mg l by 2 sin theta, तो यहां पर क्या हो जाएगा mg l by 2 sin 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, सो दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं इसको, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दो, MgL तो बाहर ही आएगा और यहां पर आपका हो गया sin 60 आपका होता है बच्चों रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2। तो यहां पर दिस इज 1 से j इज 10, l इज 1 डिवाइडेड बाय 2, एक और 2 आ गया रूट 3 माइनस 1, सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो इट विल बी 2.5 रूट 3 माइनस जूल्स। ठीक है, सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक हेमिस्फीयर इस तरह से, और यहां पर आपके पास एक चेन है, यूनिफॉर्म चेन। ठीक है, और ये चेन किस तरह से है, इसका ये वाला एंड जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है और ये वाला एंड आपका इस इनिशियल पॉइंट पर है यहां पर। So, इसका जो मास है वो क्या है, इसका मास m है और ये जो हमारा हेमिस्फीयर है इसकी इसका जो रेडियस है दैट इज r। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लेवल। सो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है इस लेवल पर, तो कैसे निकालें। अब ये हमारी रॉड नहीं है, जैसे रॉड हमारी स्ट्रेट थी, ये हमारा एक चेन है और इस तरह से एक सर्कुलर आर्क के की फॉर्म में रखी हुई है। अगर ये स्ट्रेट होती, अगर ये स्ट्रेट होती तो उसमें निकालना बहुत इजी होता, बट इस केस में यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन, बिना उसके इसको नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, मैं अगर ऐसा बोलूं ना कि इसके बीच में कोई पॉइंट ले ले और उसकी हाइट निकाल लें, दैट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि अगर मैं इसका इस वाले पॉइंट को अगर मैं लेता हूं, बीच वाला कोई पॉइंट लेता हूं, जो कि कहां पर लाए करेगा, वो लाए करेगा आपका 45 डिग्री पर, और अगर आप यहां से निकालेंगे यू विल गेट द इनकरेक्ट आंसर। उसका मेन रीजन क्या है कि अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूं इस चेन पर, इस लाइन इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इफ आई टेक इस, अगर नीचे वाले पार्टिकल्स में से कोई भी मैं पार्टिकल लेता हूं तो उसके कोरस्पोंडिंग एक पार्टिकल ऊपर भी होना चाहिए जो कि सेम डिस्टेंस पे हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वर्टिकल सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो दिस पर्टिकुलर पार्टिकल जो यहां पर होगा उसके लिए कोई भी पार्टिकल ऊपर नहीं है जो कि सेम डिस्टेंस पर हो, तो इसलिए हम ये नहीं लगा सकते। तो यहां पर हमें एलिमेंट लेकर ही करना पड़ेगा, तो इसको हम कर देते हैं। तो यहां पर सपोज मैंने एलिमेंट ले लिया अपना ये, ठीक है, सो दिस इज माय एलिमेंट और दिस एलिमेंट सबस्टेंड्स एन एंगल डी थीटा।
So this angle is d theta and the angle from the vertical, ठीक है, is theta, इस तरह से ये vertical है तो यहां से angle theta है. तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएं, सो दिस आर्क विल बी आर डी थीटा. तो ये हमको मिल गया है. अब देखो उसका मास क्या होगा. मास ऑफ द एलिमेंट इज बी एम, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. लेंथ इज पाई आर बाई टू, ठीक है, 1/4 ऑफ ये क्वाड्रेंट है आपका, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर बाय 4, विच विल बी r by 2 into the length, that is r d theta. R से r cancel, so you will get 2m upon pi d theta. तो ये हमको मिल चुका है यहाँ तक. अब हमें क्या निकालना है. Now we have to find what is the potential energy of this particular element. अब इसकी potential energy क्या होगी. मान लो कि इसकी potential energy है du, और ये क्या होगा, इसका mass g इंटू इसकी हाइट, वर्टिकल हाइट. सो दिस हाइट पूछ रहे हैं, सो दिस हाइट यहां से लेकर यहां तक, इट विल बी आर कॉस थीटा. दिस इज आर कॉस थीटा. तो यहां पुट कर दो आर कॉस थीटा. अब डीएम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहां से. सो वी हैव 2m अपॉन पाई जी आर कॉस थीटा d theta. So this is your potential energy of the element. अब इसको अगर हम integrate कर दें, और जो theta है आपका, वो कहाँ से कहाँ तक vary कर रहा है? Theta is varying from 0 to 90 degree. ठीक है? Smallest value of theta is 0 degree and largest value is 90 degree. So अब हम इसको integrate कर देते हैं. तो इसको integrate करते हैं, that will be 0 degree to 90 degree. So we will get the potential energy of the change. It will be equals to 2m g r upon pi. बच्चों cos theta का जो integration होता है वो होता है sin theta. So it is sin theta. Limit हो जाएगी आपकी 0 to 90 degree. And we have 2m g r upon pi. Sin 90 is your 1 and sin 0 is your 0. So we will have 2m g r by pi. Okay, so that is the potential energy of this particular chain. तो इस तरह से आप chain का निकाल सकते हैं. I hope आपको ये concept clear है. अब हम discuss करेंगे बच्चों थोड़ा सा conservative forces के बारे में, और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई force conservative है या नहीं. तो सबसे पहले conservative forces के में हम तीन चीजें ध्यान में रखेंगे. सबसे पहली चीज कि इनका जो वर्क डन होता है, वो भी हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये याद रखना है. दूसरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग क्लोज्ड पाथ इज जीरो. ठीक है, क्लोज्ड पाथ में इनका जो वर्क डन होता है दैट इज जीरो. तीसरी चीज, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. तो इसको आप लिख सकते हैं does not depend on path. तो ये चीज, तीनों चीज दिमाग में रखनी है. तो अगर आपको कोई फोर्स प्रूव करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं, तो ये तीनों चीजों को सोचो. ठीक है, तो अगर मुझे प्रूव करना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वो कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को यूज कर सकते हो और निकाल सकते हो. सपोज ये रहा हमारा ब्लॉक. इस ब्लॉक को मैं यहां से लेकर गया H5 ऊपर, ये ग्राउंड है. ठीक है, यहां से H5 ऊपर लेकर गया और फिर यहां से इसको H5 नीचे ले गया. तो यहां से पहले हम ऊपर लेकर गए, फिर वहां से नीचे लेकर गए, तो ये क्लोज्ड पाथ हो गई. तो
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से यहाँ वर्क डन होगा ये 1 to 2, सो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू माइनस mgh एंड वर्क डन फ्रॉम 2 to 1 विल बी mgh, बिकॉज जब हम 2 से 1 की तरफ आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, तो आप कह सकते हैं वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 1 comes out to be zero. अब इसमें एक और केस ले सकते हैं, ये यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो पार्टिकल पहले 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, इस तरह से, मतलब एक ब्लॉक है, पहले 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, तो जब पार्टिकल यहां से यहां गया, मतलब ये ब्लॉक जब यहां से यहां गया, तो वर्क डन था आपका माइनस mgh बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये यहां से यहां गया 2 to 3 गया, हॉरिजॉन्टली गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो वर्क डन विल बी जीरो, तो यहां पर वर्क डन जीरो है, यहां से यहां जब गया वर्क डन विल बी mgh, जब यहां से यहां गया इसमें क्या होगा जीरो, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो अगेन यहां पर भी जो है नेट वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ठीक है। एक और केस देख लो, ये रहा पार्टिकल, ये यहां से सपोज यहां गया, फिर यहां से यहां गया, और फिर यहां से यहां चला गया, ठीक है, तो पार्टिकल गया 1 से 2, 2 से 3, तो यहां से जब ये यहां जाएगा इस तरह से, और फिर यहां से यहां, और यहां से फिर यहां, तो यहां पर तो आपको पता है कि इधर से यहां गया, तो अगर ये हाइट h है ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस mgh, जब यहां से यहां जाएगा तो जीरो हो जाएगा, अब यहां से यहां का निकालना है हमें, तो क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो, जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी 3 to 1 उसको स्प्लिट कर दिया हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो ये केस ये वाला बन गया, अगेन यहां पर वर्क डन क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, तो आप चाहे कोई भी क्लोज्ड पाथ ले लो, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ, इसलिए आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर चेक करना है, चलो एक और केस ले लेते हैं, सपोज हमें दिया है एक फोर्स F, दैट इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो हमें प्रूव करना है कि ये फोर्स हमारी कंजर्वेटिव है, तो हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट ले लिए, सपोज पार्टिकल आपका यहां था और हम जा रहे हैं 1, 1 पर, ठीक है, बाय 3 paths, तो 3 paths हम ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं स्ट्रेट पाथ, एक हम ले लेते हैं दूसरी पाथ आपकी ये वाली, यहां से पहले पार्टिकल यहां गया, फिर यहां से यहां गया, सो दिस इज पाथ नंबर 2, दिस इज पाथ नंबर 1, एंड द थर्ड पाथ इज पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, एंड दिस इज पाथ नंबर 3, ठीक है, तो पहले में स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग मूव किया, तो इस केस में अगर मुझे वर्क डन निकालना है, तो आपको पता है कि ये वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा तो पहली बात की अगर बात करें, तो वहां पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी एक्स डी एक्स इंटीग्रल प्लस वाई डी वाई इंटीग्रल, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है बच्चों पुराने लेक्चर्स में, और यहां पर जो एक्स है आपका वेरी कर रहा है कहां से बच्चों, जीरो से, ये आ रहा है ना, ठीक है, जीरो टू कहां पर 1, 1, तो यहां पे क्या हो गया 0 से 1, यहां पर क्या हुआ 0 से 1। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं अलग अलग पाथ पे लेता, ठीक है, मुझे कहीं पर भी पाथ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ मैंने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पुट किया और मुझे आंसर मिल जाएगा, मैं चाहे इस पाथ के अलोंग मूव करूं, चाहे इस पाथ के अलोंग मूव करूं, चाहे इस पाथ के अलोंग मूव करूं, तो यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं करना, इसमें जस्ट मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्या हुआ है 1/2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/2, सो दैट विल बी 1/2, ओके, सो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। अगला केस देखते हैं,
सपोज आपको एफ दिया है, दैट इज वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव। अगेन सेम केस लेते हैं बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके कारण जो वर्क डन होगा दैट विल बी y dx प्लस x dy, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 0,0 टू 1,1, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो आप, अभी यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे x है आपका इंटीग्रेशन का वेरिएबल और यहां पर y आ रहा है, यहां पर y है तो यहां पर x आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, y dx plus x dy, अगर थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन करोगे, अगर मैं x y का डिफरेंशिएशन करता हूँ सेव सम वेरिएबल t, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट x dy by dt plus y dx by dt। अब इस dt को हटा दें यहां से, हटा दिया तो क्या बना, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई फ्रॉम 0,0 टू 1,1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई इंटीग्रेशन 0 to 0 1,1, मतलब इसमें जो अपर लोअर लिमिट विल बी 0,0, अपर लिमिट विल बी 1,1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो पहले 1,1, तो क्या होगा 1 into 1 माइनस 0 into 0, सो दैट विल बी 1 joules, ठीक है। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि योर वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, तो ये भी पॉसिबल है, कर सकते हैं। अगला केस लेते हैं, आई होप आपको ये क्लियर है। अगला केस देखते हैं, मैं सेम यही वाला ले रहा हूं, सेम इसी तीन पाथ के लोग मूव करेंगे। तो नेक्स्ट केस इज फोर्स इज एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, तो ये हमारी फोर्स है। अब देखते हैं कि अलग अलग पाथ के अलोंग वर्क डन कैसा है। तो बच्चों अगर आपको प्रूव करना है कि कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो आप क्या कर सकते हो, अगर कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो अगर आप कोई दो पाथ ले लोगे ना तो उस केस में मोस्ट चांसेस है कि आपका जो वर्क डन है वो अलग अलग आएगा, तो आप वहां से प्रूव कर दोगे। पर अगर सभी पाथ के अलोंग वर्क डन सेम आए तो यू कैन से कि वो कंजर्वेटिव हो सकती है। अब इसको देखो, पहली पाथ के अलोंग हम देख रहे हैं, फर्स्ट पाथ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये 1,1 है और ये 0,0 है, सो दिस एंगल विल बी 45 degree, और यू कैन से द लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू x। तो पहले में तो आपका तो y जो है वो x के बराबर है, तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे सो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ xy dy, ठीक है। अब यहां पर देखो y है तो इस x को आप रिप्लेस कर सकते हो y से, बिकॉज y जो है x के बराबर है अलोंग दिस पाथ, तो यहां पर मैंने इस x को बना दिया y, और लिमिट लगा दो फिर यहां पर, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 to 1, y कहां से वेरी कर रहा है 0 to 1, तो ये क्या बना, इट विल बिकम 1/2 प्लस ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर है y क्यूब बाय 3, तो दैट विल बी 1/3, सो इट कम्स आउट टू बी 5/6 जूल्स, ठीक है 5/6 जूल्स। अगला देखो सेकंड पाथ के लोग, अब सेकंड पाथ में मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल में मान लेते हैं जो वर्क डन है हमारा, अगर वो W1 है, वो क्या होगा, दैट विल बी इंटीग्रल, इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इंटीग्रल एक्स वाई डी वाई। अब यहां पर एक चीज देखो, जब मैं इस पाथ के लॉन्ग मूव करूंगा हॉरिजॉन्टली, उस केस में जो हमारा वाई है दैट विल बी जीरो, इस पूरे पाथ के लॉन्ग जो वाई है दैट विल बी जीरो, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो गया, ये तो गया, बट आपका जो एक्स है वो चेंज हो रहा है, एक्स आपका जीरो से वन की तरफ जा रहा है, बट आपका जो y है y इज ऑलवेज जीरो, तो इस केस में इस पाथ के अलोंग जो y है दैट इज ऑलवेज जीरो, तो यहां पर y जीरो हो गया, तो हमें क्या मिला, केवल ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई फिर,
दिस टर्म इज जीरो, तो यहां पे आपको क्या मिला, जीरो टू वन, सो इट विल बी वन बाय टू जू। तो आप देख सकते हैं यहां से देखिए आते वन बाय टू हो गया। अब देखो डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू मतलब इस वर्टिकल पाथ। अब इस वर्टिकल पाथ में आपका जो x है वो क्या है, वन है, x इज वन, एंड जो y है आपका वेरी कर रहा है जीरो टू वन, x आपका वन है और y आपका वेरी कर रहा है जीरो टू वन। चलो देखते हैं इसको, अगर x आपका कांस्टेंट है, मैं पहले यहां पर लिख देता हूं इस तरह से, x dx प्लस एक्स वाई डी वाई। अब आप देखो यहां पर x आपका वन के बराबर है तो मतलब dx जो है वो जीरो हो गया, स्मॉल इंक्रीज इन x, x तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा तो ये तो हो गया जीरो, तो ये टर्म हो गई जीरो। अब इसको देखो यहां पर आपका x कितना है, वन के बराबर है, तो इसको लिखोगे आप इंटीग्रल जीरो टू वन, ये हो गया आपका y dy, सो इट विल बिकम y स्क्वायर बाय टू विच इज वन बाय टू। सो इस केस में जो वर्क डन आ रहा है हमारा w1 plus w2, so w1 plus w2 comes out to be 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1 joule. तो आप देख सकते हैं कि path number 2 में जो work done है that is 1 joule, and the path number 1 उसमें जो work done है that is 5 by 6 joule. दोनों work done अलग अलग हैं, तो we can say this force is non-conservative. So this is your non-conservative force. तो बच्चों इस तरह से आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बता सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में आपने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी की, फिर हमने देखा था कि केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। देन वी विल टॉक अबाउट कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। आई होप कि इस वीडियो में आप कुछ नया सीख कर जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।